यार इंटरव्यू तो ले लिया लेकिन उससे कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिला। क्या उसने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया? हाँ लेकिन एकदम कट टू कट। मैंने कहा था ना वो बहुत होशियार है। हालांकि उसके जवाब से कोई क्लू तो नहीं मिला लेकिन वहां एक चीज ऐसी दिखी जिससे हम इस मामले की तह तक पहुंच सकते हैं। और वो क्या है? उसके शौहर की तस्वीर। तस्वीर मतलब? उसके शौहर से मैं कहीं मिला हूं इसीलिए उसकी तस्वीर देखते ही मैं चौंक गया। कहां मिले थे उससे? ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। देखो राहत, अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करो। अगर तुम्हें याद आ गया ना तो हम सच और झूठ का पता लगा सकते हैं। मोइन कब से यही तो कोशिश कर रहा हूं पर देखो एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तुम अपने सारे दोस्तों को फोन करो, उनसे पूछो कि क्या वो किसी हारिस नाम के आदमी को जानते हैं या कभी उसे मिले हैं। गुड आइडिया, मैं अभी फोन लगाता हूं। हाय सलमान। हाँ ठीक हूँ यार। अच्छा तू किसी हारिस नाम के आदमी को जानता है? नहीं। अच्छा चल ठीक है, थैंक्स यार। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो। हाय वसीम। हाय हाय यार राहत बोल रहा हूँ। एक बात पूछनी थी, तू किसी हारिस नाम के आदमी को जानता है? नहीं यार, मैं तो नहीं जानता। अच्छा ठीक है, थैंक्स यार, बाद में बात करता हूँ। हाय हाँ आमिर। हाँ राहत बोल रहा हूँ यार। अच्छा एक बात बता, तू किसी हारिस नाम के आदमी को जानता है? अच्छा ठीक है, थैंक्स। हाय सुहेल। हाय यार राहत बात कर रहा हूँ, तू किसी हारिस नाम के आदमी को जानता है? नहीं। अच्छा चल ठीक है, थैंक्स यार। क्या हुआ, कुछ पता लगा? नहीं यार, कोई उसके बारे में नहीं जानता। सबका जवाब नाम ही था। अब याद आएगा, जरूर आएगा। बढ़िया। मैं ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, बस हारिस की याद आ रही थी। मेरी छोड़ो, तुम सुना कैसे चल रहा है काम? बहुत अच्छा चल रहा है। बेटा तुम ही हो, तुम्हारे अब्बू का ख्वाब अब तुम ही को पूरा करना है। जी कुछ कहना है? बड़ी अम्मी मैं आपसे जुबैदा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। शादी तो मैं जुबैदा से ही करूंगा, कोई साथ दे या ना दे। देखा फौरन गैर बना दिया ना मुझे। मैंने कहा ना बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़ी अम्मी आप मेरे साथ हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बड़े अब्बू और अम्मी आपके खिलाफ हो जाएं। खिलाफ हो? वो तो वैसे भी मेरे खिलाफ हैं, वो भी आज से नहीं सालों से, मगर उनकी इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या और कैसे करूं? मेरी मानो तो तुम कोर्ट मैरिज कर लो, फिर काजी साहब से निकाह भी पढ़वा लेना। बड़ी अम्मी कोर्ट मैरिज के लिए और निकाह के लिए दो गवाहों की जरूरत पड़ती है। तो मैं हूं ना, तुम तैयारी तो करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं पहली फुर्सत में ये काम करता हूँ। ताहा जुबैदा से शादी करने जा रहा है। हाँ और आप ताहा का साथ दे रही हैं? तो इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं बर्बादी है। बर्बादी? आप लोग नहीं जानते जुबैदा कौन है? जो भी है हमें क्या। अम्मी जुबैदा वही औरत है जिसने मेरे और हारिस के बीच आने की कोशिश की। वो नहीं चाहती थी कि मैं और हारिस शादी करें। देखो अबीर, अगर कोई किसी को चाहता है तो ये नहीं चाहेगा कि वो किसी और का।
इसमें कौन सी नई बात? कुछ भी हो, मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं दिखते। वो किसी तरह से उस घर में दाखिल होना चाहती है। वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। ताह के लिए उसे कोई प्यार व्यार नहीं है, वो तो सिर्फ उसे यूज कर रही है। इस शादी के पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा है, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। उन्हें सबक सिखाने के लिए हमें अपने हाथ मैले करने की जरूरत नहीं है। अगर शादी हो जाती है तो वो निगार और चौधरी की हार होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर ताह उनसे बगावत पर उतर आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चाल किसी और की होगी पर जीत हमारी होगी। बातों को हम जिस तरह देखते हैं कभी कभी वो गलत रुख अपना लेती है। कोई और बात होगी तो हम है ना संभालने के लिए। अब तो हमें तमाशा देखना है। चौधरी खानदान में जो नहीं हुआ वो अब होगा। बड़े अब्बू, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, आओ आओ बैठो। दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। बड़े अब्बू, इससे पहले आप मुझसे कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। अगर आप मेरे और जुबैदा से रिलेटेड कुछ भी कहना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना कहें। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। दरअसल हमारे बीच जो गलतफहमी है मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। बेटे, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं। मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि तुम्हारे प्यार में कितनी सच्चाई है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आजमा रहा था। बड़े अब्बू, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता। हाँ, जोश में आके मैंने आपसे उल्टी सीधी बातें कह दी होंगी, लेकिन पर जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो यहाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं तुमसे एक दोस्त बनकर बात करना चाहता हूँ, ना कि बड़े अब्बू बनकर। इसलिए ऑफिस के बाद किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहां एक एक कप चाय भी पियेंगे और बातचीत भी कर लेंगे। ठीक है बड़े अब्बू, जैसा आप चाहें। बड़े अब्बू, आज मैं इतना खुश हूं कि मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं अपने केबिन में हूं। सुबैदा, कितना काम कर रही हो तुम? हाँ, अरे ताहा, तुम काम वाम छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? अब जिंदगी भर काम करता रहूंगा। ये कैसी बात हुई? अच्छा, अब तुम्हें मेरी बात भी अच्छी नहीं लगती? ताहा, अच्छा पहले ये बताओ कि तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? मतलब तुम ये नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं? देखो ताहा, अगर तुम यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने आए हो तो आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी बिजी। ओके, तुम तो सारी जिंदगी बिजी रहोगी। मैं सोच रहा हूँ कि शादी के बाद मैं बातें किससे शेयर करूंगा। देखो, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से जो कहने आए हो कहो, और प्लीज यहाँ से जल्दी से 9 टू 11 हो जाओ। ओके, अब ये 9 टू 11 क्या है? 9 टू 11 मतलब 9 to 11। तुम्हें तो रोमांटिक होना भी नहीं आता। खैर, खुशी की बात यह है कि आज बड़े अब्बू ने हम दोनों का रिश्ता ओके कर दिया है। क्या? हाँ, और यही बात डिस्कस करने के लिए वो और मैं शाम को रेस्टोरेंट जा रहे हैं। आई डोंट बिलीव दिस। You have to believe it. Zubeda, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं ताहा, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मुझे शर्म आएगी, और वैसे भी फैमिली मैटर्स हैं, मैं वहाँ पे मेरा जाना अच्छा नहीं लगता ना। अरे तुम वहाँ अकेली थोड़ी रहोगी, मैं भी रहूँगा। नहीं ताहा, आई एम रियली फीलिंग ऑड, लेकिन तुम जाओ ना, मुझे वाकई कहीं और भी जाना है। आज कहीं मत जाओ जुबैदा, बड़े अब्बू पहली बार इतना नॉर्मल हुआ। ताहा प्लीज मुझे फोर्स मत करो, वाकई मुझे कहीं किसी जरूरी काम से जाना है, ट्रस्ट मी। ठीक है जुबैदा, जैसे तुम्हारी मर्जी है।
इन सब चीजों को देखता हूँ तो वापस वहीं चले जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। अरे ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क। हाँ लेकिन सिर्फ मेरी तरफ से, आज भी उन यादों को दिल से लगाए बैठा हूँ। एक एक लम्हा याद है मुझे और चाहूं भी तो बुला नहीं पाता। देखो मुझे तो लगता है अबीर ने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती थी। बिना किसी वजह से कोई अपने प्यार को छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता है? इन सब बातों का अब क्या फायदा? हाँ दिल को दर्द देने से अच्छा ना उसको भूल ही जाओ। पर एक बात तो साफ है मोइन, अगर इसने मेरी किसी भी बात से इनकार किया ना तो मैं दुनिया के सामने उसकी सच्चाई बता दूंगा। खैर मेरी बात तो होती रहेगी। आप जनाब बताइए कि वो कौन है जिसके बारे में आप मुझे फोन पर बता रहे थे? क्या फायदा, बात आगे बढ़े तो बताओ ना यार। इधर मैं दिल दे बैठा हूं और सामने से कोई हरकत ही नहीं। अरे यार पूरी लव स्टोरी ड्राई हो गई है। तो एक काम कर, एक बार मेरी उससे मुलाकात करवा दे, फिर देख मैं क्या करता हूं। क्या करेगा भाई? तेरी ड्राई लव स्टोरी में रंग भर दूंगा, एकदम कलरफुल हो जाएगी। मामू को मिला था मेरी सेटिंग के लिए, मियां उसकी बड़ी बहन को दिल दे बैठे। तू मामू को छोड़ एक बार मेरी मुलाकात करवा दे, फिर देख मैं तेरी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ाता हूं। डन डन। हम चले, लेट हो रहे। हो गई? पूछो मत, एक ही नजर में दिल ले गया। ओ, वो भी टकरा के। मजाक मत उड़ाओ। देखो क्या वो दूसरे लड़कों से अलग नहीं लगता? कुछ भी हो बहुत डिसेंट है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ पे हैं? मेरी नजर में तो वो ही लड़का अच्छा है जो लड़कियों के पीछे नहीं पड़ता। हम तो ये सोचते हैं अगर लड़के हमारे आगे पीछे नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें चाहते हैं। बेवकूफ हो तुम दोनों। चाहत कोई आगे पीछे घूमने से थोड़ी मिलती है, चाहत तो नजरों से पता चलती है। वो तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? पता नहीं। ऐसा मत बोलो बाबरा। क्यों? उस बेचारे मोइन का क्या होगा? मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना उससे? वो तो तुम पे दिलो जान से फिदा है। लोफर है वो, जब देखो पीछे चला आता है। ऐसा मत कहो, वो तुमसे प्यार करता है। वो उसकी भूल है क्योंकि मैं तो आज मैं तुमसे दोस्त बनकर बात करना चाहता हूं। मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि जमाना बदल गया है, हमें बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बड़े अब्बू मेरी वजह से आपकी सोच में कितना बदलाव आया है। अगर अम्मी भी अपनी सोच आपकी तरह बदल लें तो उन्हें सही और गलत की पहचान होगी। हर माँ बाप यही सोचते हैं कि बच्चे उनकी पसंद से शादी करें क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के ऊपर उनका हक है। अगर तुम जुबेदा से शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन ऐसे के हमारे खानदान के ऊपर कोई दाग ना है। बड़े अब्बू अब शादी किसी ना किसी से तो करनी है, फिर जुबेदा में क्या बुराई है? मेरे हिसाब से वो बहुत काबिल लड़की है, हमेशा हमारा अच्छा चाहती है और हमेशा हमारी मदद करने को तैयार रहती है। यही बात तुम्हें अपनी अम्मी को समझाना है। और हाँ निगार को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसे बुरा लगेगा। मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं, मैं तुम्हारी खुशियां क्यों छीनूंगा? बड़े अब्बू आज तक जो भी हमारे बीच हुआ है आप प्लीज उसे भूल जाइए। आज से हम एक नए और अच्छे रिश्ते की शुरुआत करेंगे। साहब प्लीज
मुझे फोर्स मत करो, वाकई मुझे कहीं किसी जरूरी काम से जाना है, ट्रस्ट मी। नहीं तहा, मैं वहां जाके क्या करूंगी, मुझे शर्म आएगी, और वैसे भी फैमिली मैटर्स हैं, मैं वहां पे मेरा जाना अच्छा नहीं लगता ना। कहाँ जा रहे हो? बड़ा बू अभी आया। हाँ हम कल मिलेंगे। हेलो हेलो। हाँ कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? और सुनाओ घर में सब कैसे, कामकाज कैसा चल रहा है? सब खैरियत से। गुड भाई, जूबी तुम्हारी बहुत तारीफ करती रहती है हमेशा। जुबैदा घर पे है? अरे भाई उसने कहाँ जाना है, ऑफिस है, घर और घर से ऑफिस। नहीं आपने फोन उठाया इसलिए मुझे ऐसा लगा। अच्छा वो दरअसल बाथरूम में है। अच्छा अंकल वो बाहर निकलेगी तो जरा फोन करवा दीजिएगा। हाँ वो बाहर निकलेगी तो फोन करवाता हूँ। ओके ठीक है अंकल, खुदा हाफिज़।